चलिए और बड़ी खबर रायपुर से। विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट पारित हो गया। ध्वनि मत से 4,337 करोड़ का अनुपूरक बजट यहां पर पारित हुआ है। तो विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन और आज का दिन काफी अहम। विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट यहां पर पारित हुआ है। ध्वनि मत से 4,337 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा और अंतिम दिन है और आज अनुपूरक बजट पारित किया गया। ध्वनि मत से 4,337 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक बजट पारित हुआ है। तो ये बड़ी खबर, बिना विपक्ष के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सीएम ने कहा कि विपक्ष की हालत क्या है दिख रहा है। और आज विशेष सत्र बुलाया गया, सीएम ने यह बयान दिया है। तो दरअसल आरक्षण मुद्दे को लेकर यह पूरा विशेष सत्र और आज का दिन काफी अहम, क्योंकि आज दूसरा और अंतिम दिन है और आज सदन में बजट अनुदान मांगों पर चर्चा भी हुई है। विपक्ष की हालत क्या है दिख रही, सीएम भूपेश बघेल ने यह बयान भी उन्होंने दिया है और अनुपूरक बजट भी पारित किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं रायपुर से कि बिना विपक्ष के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा हुई और इस पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की हालत क्या है ये दिख रही है, सीएम भूपेश बघेल ने कहा। चलिए और बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में विनियोग विधेयक पेश किया है। विनियोग विधेयक पेश किए जाने पर विपक्ष ने हंगामा किया। पूर्व मंत्री बिजुन अग्रवाल ने कहा कि विनियोग विधेयक नियमों को शिथिल कर क्यों लाया जा रहा है। आसंदी ने विधेयक पेश किए जाने की अनुमति सीएम को दी। विधेयक सर्वसम्मति से पास किया गया। विधेयक के पारित होने के बाद विपक्ष का जोरदार यहां पर हंगामा हुआ। तो सदन में हंगामे की भी यहां पर स्थिति बन रही है। सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में विनियोग विधेयक पेश किया। विनियोग विधेयक पेश किए जाने पर विपक्ष ने हंगामा किया। पूर्व मंत्री बृजवन अग्रवाल ने कहा कि विनियोग विधेयक नियमों को शिथिल कर क्यों लाया जा रहा। आसंदी ने विधेयक पेश किए जाने की अनुमति सीएम को दी। विधेयक सर्वसम्मति से पास किया गया। विधेयक के पारित होने के बाद विपक्ष ने हंगामा किया। तो विनियोग विधेयक पर सदन में हंगामा हुआ है, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बढ़ते आगे और रायपुर से बड़ी खबर, जहां विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की हुई है। विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा हुआ है। विशेष सत्र के दौरान सदन की गरिमा तार तार हुई है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की हुई है। मंत्री श्री डारिया और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के बीच धक्का मुक्की हुई है। दोनों पक्षों के वरिष्ठ विधायकों ने शांत कराया। सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। विधानसभा के विशेष सत्र के आज दूसरे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की हुई है, यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। धक्का मुक्की हुई है विशेष सत्र के दूसरे दिन, जमकर हंगामा हुआ है। विशेष सत्र के दौरान सदन की जो गरिमा है वो तार तार हुई है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की हुई है। मंत्री शिव डहरिया और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के बीच धक्का मुक्की हुई है। दोनों पक्षों के जो वरिष्ठ विधायक हैं उन्होंने किसी तरह इस पूरे मामले को शांत कराया और इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई है। चले राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश, सदन में जमकर हंगामा, धक्का मुक्की भी हुई है, अपडेट इस पर? हाँ जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कुछ देर पहले ही अभी जो है यहाँ पर जो आरक्षण विधेयक बिल जो है वो पेश होने के पहले ही यहाँ पर बहस चल रही थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी गहमा गहमी का माहौल था। विपक्षी सदस्य इस बात पड़े हुए थे कि जो भी बिल लाया जा रहा है वो कानून के हिसाब से लाया जाए।
जो है बृजमोहन अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो आवेश में आ गया और उन्होंने कहा कि आप देख लेंगे और थोड़ी सी तनाव की स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई और काफी हंगामा यहाँ पर शुरू हो गया दोनों पक्षों के बीच, तैश की स्थिति निर्मित हो गई और उसके बाद हुआ ये दोनों पक्षों के बीच तैश की स्थिति निर्मित हो गई और उसके बाद हुआ ये कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं चरणदास महंत उन्होंने 10 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित की और उसके बाद अचानक जो है अजय चंद्राकर और शिव कुमार डहरिया जो है मंत्री हैं वो आवेश में आ गए और सदन गर्भगृह के अंदर घुसकर दोनों एकदम आमने सामने हो गए और धक्का मुक्की की स्थिति निर्मित हुई। इस स्थिति को देखते हुए फिर सत्ता पक्ष के जो लोग हैं और विपक्षी लोग उन्होंने बीच बचाव कर उनको किनारे किया और इसके पहले भी जब विधानसभा अध्यक्ष बैठे थे सदन की कार्यवाही चल रही थी उस पर बृजमोहन अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य शिव कुमार डहरिया के कमेंट्स पर अचानक आवेश में आ गए थे और उन्होंने गर्भगृह में घुसकर देख लेने तक की इस तरह की बात की। तो ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत कम देखने को मिला है, मेरे ख्याल से पहली बार इस तरह का देखने को मिला है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। बाबूलाल जी, अगर बात करें जो स्थिति आज विधानसभा छत्तीसगढ़ विधानसभा में नजर आई, सदन के अंदर नजर आई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या देखा आपने? जो विपक्ष का जो रवैया दिखा उससे शायद सत्ता पक्ष को ये एहसास हो रहा है कि ये लोग इसमें बाधा पहुंचाना चाहते हैं और विपक्ष की तरफ से जो बातें आ रही हैं वो तरह तरह की अलग अलग बातें हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, इसमें कैसे चर्चा हो सकती है, एक तो ये कहते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि आप चुनाव आयोग से सलाह ले लो और तीसरे तरफ बोलते हैं कि हम 9 तारीख को चर्चा कराने को तैयार हैं और अध्यक्ष महोदय आप 9 तारीख को चर्चा रख दीजिए। ये तीनों विरोधाभासी बात है। एक तो एक में कह रहे हैं कि हो नहीं सकती बात, दूसरे में कह रहे हैं आप एक सलाह ले लीजिए उसके बाद करिए। मतलब कुल मिला के सत्ता पक्ष को ये समझ में आ रहा है कि ये 5 तारीख के पहले चर्चा कराना नहीं चाहते और विधानसभा को एक्सटेंड कराकर 9 तारीख को चर्चा के लिए तैयार है। अच्छा, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, ये हंगामा हो रहा था, चर्चा हो रही थी, ये सब कुछ ठीक है, आज जो ये अप्रिय स्थिति सदन के अंदर निर्मित हुई वो उसके पीछे क्या वजह आ जा रही, आपने क्या देखा वहां पर? देखिए, सत्ता पक्ष के किसी ने माइक बंद करके कुछ कहा जो हम लोगों को सुनने में नहीं आया और उस बात को सुनकर बृजमोहन और अजय चंद्राकर जो उत्तेजित हुए, उन्होंने मुझे ऐसा एहसास होता है कोई प्रकार की एक चुनौती दी उन्होंने, कुछ अप्रिय ढंग से चुनौती दी जिसकी वजह से बोले आओ आओ करके जो उन्होंने कहा कि आइए आके देखो तो वो लड़ने भिड़ने की स्थिति पैदा हो गई। तो शिव डहरिया को कुछ नेताओं ने इशारा किया तुमको बुला रहा है जाओ, तो वो जाने लगे और इस तरह से अजय चंद्राकर भी तेजी से आगे बढ़े और पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कभी ऐसी मारपीट ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हुई है। थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी जरूर होती है लेकिन ऐसा पहली बार देखा गया है जब शिव डहरिया को अजय चंद्राकर धकेल रहे थे और शिव डहरिया जो है अजय चंद्राकर धक्का मुक्की जिसको हम कह सकते हैं वो आज सदन के सामने देखने को आई और अध्यक्ष महोदय के मौजूद रहते हुए हुआ। ये एक अप्रिय स्थिति नहीं, जब ये धक्का मुक्की की स्थिति निर्मित हुई हम भी वहां मौजूद थे, उसके पहले ठीक पहले सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित हो गई थी। शिव डहरिया ने कुछ कहा, भाजपा के लोग आवेश में आ गए, देख लेने की धमकी दी, उसके बाद गर्भगृह में घुसे और उसके बाद स्थिति जो निर्मित हुई 10 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित होगी, उसके बाद फिर शिव डहरिया गर्भगृह में आए, अजय चंद्राकर गर्भगृह में आए और फिर ये अप्रिय स्थिति निर्मित हुई, ये ऐसा पूरा हुआ? देखिए, वो ऐसा ही होता है, अध्यक्ष महोदय ने स्थिति देखी और जब उन्होंने कहा तब तक वो आगे बढ़ चुके थे और वो ही किया जाता है अक्सर। आप रिकॉर्ड में जो जाएगा वो यही जाएगा कि सदन स्थगित हुआ उसके बाद ही घटना घटी है ना, तो वो रिकॉर्ड में नहीं आएगा, तो ये किया जाता है, ये जो है सदन की गरिमा को बचाने के लिए, गरिमा को चोट रखने के लिए ऐसा ही किया जाता है और वो ऐसा हुआ। और निश्चित रूप से जो है जो कुछ भी हुआ है वो हमारे छत्तीसगढ़ की विधानसभा के लिए अप्रिय स्थिति और अच्छा नहीं हुआ, ये मैं मानता हूँ जी। तो निश्चित रूप से सदन की गरिमा को तार तार करने वाली आज यहाँ पर घटना हुई है, सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आपस में यहाँ पर भिड़ा है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज जमकर धक्का मुक्की, आज विशेष सत्र का दूसरा और आखिरी दिन है और काफी महत्वपूर्ण आज का यह दिन, और जिस तरह से हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने बताया कि चर्चा यहां पर चल रही थी और धीरे धीरे यहां पर जो स्थिति है वो गर्माती चली गई और बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। फिलहाल सदन की जो कार्यवाही है वो 10 मिनट के लिए स्थगित की गई है। वरिष्ठ विधायक है, उन्होंने किसी तरह से इस पूरे मामले को शांत कराया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं जहां विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की हुई है। विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन सदन के भीतर जमकर हंगामा देखने को मिला है।
सदन की गरिमा भी तार तार हुई है। सत्ता सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की हुई है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि मंत्री शिव डारी और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के बीच तीखी बहस हुई, नोकझोंक हुई, धक्का मुक्की तक बात पहुंच गई और दोनों पक्षों के जो वरिष्ठ विधायक हैं उन्होंने किसी तरह से इस पूरे मामले को शांत कराया है और इसके बाद सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन सदन के भीतर जमकर हंगामा हुआ है, धक्का मुक्की हुई है, सदन की गरिमा भी यहां पर तार तार हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में ही भिड़ गए, जमकर हंगामा यहां पर हुआ, धक्का मुक्की की स्थिति यहां पर बनी है सदन में। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच यहां पर धक्का मुक्की हुई है, मंत्री शिव डारिया और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के बीच धक्का मुक्की हुई है और दोनों पक्षों के जो वरिष्ठ यहां पर विधायक हैं उन्होंने किसी तरह से इस मामले को शांत कराया। तो आज विशेष सत्र का दूसरा दिन, अनुपूरक बजट आज सदन में पेश किया गया और इसके साथ ही आरक्षण मुद्दे को लेकर सरकार का ये विशेष सत्र है और इस विशेष सत्र के दूसरे दिन आज सदन में जमकर हंगामा यहां पर देखने को मिला। जनता पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से पुरजोर कोशिश हो रहा है कि आरक्षण विधेयक को रोकने का। आरक्षण विधेयक रुकने से आज शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन प्रभावित हो रहा है, नौकरियों में भर्तियां जो होनी है वो प्रभावित हो रहे हैं, प्रमोशन प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए प्रदेश की जनता चाहती है कि जल्दी से जल्दी ये आरक्षण पारित हो, लेकिन कभी बोलते हैं ना कि दिल की बात जुबा पे आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस प्रकार से आरक्षण को रोकने का प्रयास हो रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है और ये केवल दिखावा करते हैं कि हम आरक्षण के साथ हैं, लेकिन सही माने में आरक्षण को रोकने का पूरा तर्क, पूरा कानूनी दांवपेच लगा रहे हैं, लेकिन जहां चाह है वहां राह है। भूपेश बघेल जी इसमें सफल होंगे, उनकी सरकार सफल होगी और आदिवासी वर्ग को 32%, एससी वर्ग को 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण आज पारित होकर के रहेगा। मैं यही बताना चाहता हूं कि शुरू से देश आजाद जब हुआ, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, बाबा साहब अंबेडकर कानून मंत्री बने, संविधान जब लागू हुआ उस संवैधानिक व्यवस्था में आरक्षण देने का काम कांग्रेस की सरकार तब भी करी थी, आज भी पुनः आरक्षण को बहाल करने का काम भी कांग्रेस सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनका पूरा सरकार मंत्रिमंडल करने जा रहा। आरक्षण पर चर्चा हो रही थी, उसी बीच नौबत हाथापाई तक आ गई, ऐसा क्या हो गया और सुप्रीम कोर्ट में केस चलते हुए हम विधानसभा का सत्र बुलाकर अवैधानिक काम कर रहे हैं। अगर हम उसको नियम कायदे कानून के अनुसार पास करेंगे तो छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासी समाज को फायदा मिलेगा कि अनुसूचित पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम करने के लिए जो व्यक्ति गया उसको कबीर सोच पीठ का अध्यक्ष बना दिया गया, जो आदिवासियों के आरक्षण को कम करने के लिए गया उसको अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये सरकार वास्तव में आरक्षण सबको देना नहीं चाहती है, ये खाली राजनीतिक लाभ के लिए कि 5 तारीख को क्योंकि भानु प्रतापपुर का चुनाव है और उस चुनाव के कारण जल्दबाजी में ये कर रही है और इससे आज पिछले 3 महीनों से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। छत्तीसगढ़ में कोई भर्तियां नहीं हो रही है और आगे भी यही होगा जब हम कानूनी तरीके से कोसी फायदा नहीं मिलेगा और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग सबके साथ में धोखाधड़ी या विश्वासघात करने का काम कोई कर रहा है तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। हम अवैधानिक कृत्य को रोकना चाहते हैं और वास्तविक रूप से अनुसूचित जनजाति को 32%, पिछड़े वर्ग को 27% और अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण मिले, इसके लिए हम नियम के तहत लाना चाहते हैं। परंतु मुझे ये
बोलने में बहुत खेद हो रहा है कि हाउस के अंदर हम लेजिस्लेटिव बात नहीं कर सकते, करते हैं तो मंत्री इंटरप्ट करते हैं और मंत्री इंटरप्ट नहीं करते संसदीय कार्य मंत्री उनको उकसाते हैं, और आज तो अति हो गई। एक मंत्री कहता है मैं उधर भी आकर आप लोगों के ऊपर बैठ सकता हूं, मेरे नेता का आदेश होना चाहिए। हम लोग भी अपनी माता के पुत्र हैं, हम लोगों में भी उद्यम है, अगर कोई हमको ऐसा चैलेंज करता है तो उसका जवाब देना हम जानते हैं। और मुख्यमंत्री ने उकसाकर उनको हमारी तरफ भेजा तो ये और दुर्भाग्यजनक है कि मुख्यमंत्री उकसाकर भेजे। अगर ऐसा ही चाहते हैं मैदान में कुश्ती लड़ना तो अभी हम भानु प्रतापपुर में लड़ रहे हैं, यहाँ वाले हम लड़ेंगे। देखिए हाथापाई तक बात पहुंचना ये तो उस विधानसभा के नेता और संसदीय कार्य मंत्री इनके लिए चैलेंजेबल है कि उनके लोगों का व्यवहार कैसा है। माननीय अध्यक्ष जी हर बार बोल रहे हैं, मैंने ब्रिजमोहन जी को बोलने का अवसर दिया, बोलने दीजिए, पर क्या है विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा और विपक्ष को चैलेंज किया जाएगा कि हमारे नेता अगर कहेंगे तो हम आपके ऊपर भी आके बैठ जाएंगे, तो इसको अगर वो सोचते हैं, बहुमत तो पशुबल का भी होता है, पर पशुबल के बहुमत को अगर कोई शांत करता है तो मनुष्य ही करता है, हम उसको शांत करना जानते हैं। अमरजीत भगत कह रहे हैं कि वो जिस तरीके से पूरी घटना हुई आरक्षण के विरोध में विपक्ष जो है वो हाथापाई कर रहा है। अब वो आप लोग देख सकते हैं आरक्षण का विरोध है कि आरक्षण के पहले भी इन्होंने भुलावा दिया, अनुसूचित जनजाति को आज पूरा सर्व आदिवासी समाज वहां पर खड़ा हुआ है और इनकी यूं यूं हो रही है, इसलिए ये विधेयक लाए हैं। आपको भी जान थपथपानी पड़ गई ऐसी कहना? निश्चित रूप से अगर हमारे किसी सदस्य को वो जो है मुझे लगता है कि वो हाउस एडजोन होने के बाद की बात है, इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा है हम ने अर्जुन सिंह जी के साथ भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में काम किया है, हमने सुंदरलाल पटवा के साथ भी काम किया, हमने श्यामाचरण जी के साथ भी काम किया है, हमने अजीत जोगी जी के साथ भी काम किया है, परंतु अभी जो स्थिति है लोकतंत्र की हत्या जिस प्रकार से हो रही है, नियम कायदे कानूनों को ताक में रखकर लेजिस्लेशन को जिस प्रकार से मारा जा रहा है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहां लेजिस्लेशन पर चर्चा नहीं होगी तो किस पे होगी, और उसी पर चर्चा यहां पर नहीं होने दी जा रही है, और उस चर्चा को भी कोई इंटरप्ट करे तो मंत्री कर रहे हैं। तो विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था और आज दूसरे दिन इस सत्र में जमकर हंगामा हुआ, धक्का मुक्की तक बात आ गई और विधानसभा सत्र की गरिमा पार कर दी गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की भी हुई, वरिष्ठ विधायकों ने दोनों पक्ष के बीच मामला शांत कराया और 10 मिनट के लिए इस सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। जो निर्देश दे रहे हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल को नहीं मानना चाहिए, अजय चंद्राकर को नहीं मानना चाहिए, जब वो तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम लोग अगर कोई बात कर रहे हैं तो हमारी बात भी तो विपक्ष को सुनना चाहिए। आपने देखा होगा कि विपक्ष पलायन करके बाहर भाग जाता है, बहिर्गमन करके बाहर भाग जाता है, और जब हम लोग कोई बात कहते हैं आरक्षण के पक्ष में तो सुनने के बजाय धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते, ये संविधान पर विश्वास नहीं करते भारतीय जनता पार्टी, ये आरक्षण के विरोध में अनुसूचित जाति के लोगों को तक धक्का मुक्की कर रहे हैं, ये उनकी खराब मानसिकता है। ये भारतीय जनता पार्टी खुद उकसा रही है कि आरक्षण संशोधन विधेयक मत है, और इसलिए वो इस स्तर पे उतर आए हैं, गुंडागर्दी पे उतर आए हैं इनके विधायक और पूर्व मंत्री लोग कि वो अनुसूचित जाति के व्यक्ति को धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये इस पे स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों के विरोधी लोग हैं, आरक्षण का विरोध करते आए हैं और आज भी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आपने देखा होगा आरक्षण कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, अनुसूचित जाति का 16-12% किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12% को बढ़ा के 13% किया, जितना हमारा सेंसस में हमारा अनुसूचित जाति का आरक्षण है उतना हमको वापस किया उन्होंने, लेकिन ये भारत
कर रहे हैं, आरक्षण कटौती खुद करते हैं। इनका जो संशोधन विधेयक आरक्षण का लाया था रमन सिंह जी ने, हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, इसलिए हम हाई सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। वो मामला अलग है और ये मामला अलग है। हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को उनके जनसंख्या के आधार पे आरक्षण मिले, संविधान में जो प्रावधान है वो उनको मिले, उसका ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। अरे जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घटनाक्रम होगा उसको आप बता रहे हैं कि आदिवासी या अनुसूचित जाति के साथ अत्याचार करना सदन के भीतर, क्या इस मसले को लेकर आप कुछ और आगे बढ़ेंगे? मैंने इस संबंध में माननीय अध्यक्ष जी को निवेदन पत्र दिया है कि जिन लोग विधानसभा के अंदर धक्का मुक्की कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैंने माननीय अध्यक्ष जी को व्यक्तिगत तौर पर आपकी तरफ से कोई शिकायत बाहर सदन के बाहर भी की जाएगी क्या? अब ये हम लोग तय करेंगे आगे। इस तरह की गुंडागर्दी, इस पर इन लोगों के भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, और ये अगर आरक्षण का विरोध करते हैं तो आगे हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से अनुसूचित जाति का आरक्षण 16% से 12% किसने किया? रमन सिंह ने किया, ब्रिजमोहन अग्रवाल ने किया, अजय चंद्राकर ने किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों के विरोधी है, इसलिए वो सदन में तक आरक्षण का विरोध करते हुए अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ धक्का मुक्की तक कर रहे हैं। डेरिया जी, व्यक्तिगत रूप से थाने जा सकते हैं क्या? मैंने चूंकि मामला विधानसभा के अंदर का है, इसलिए मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष को लिखित में आग्रह किया है और विधानसभा अध्यक्ष जी इस पर निर्णय करेंगे। सरकार के बड़े मंत्री कवासी जी, जिस तरीके के हालात सदन में आज बने हैं, कवासी जी आज विधानसभा का अंदर छत्तीसगढ़ के विधानसभा में महत्वपूर्ण बिल लाया हमारा मुख्यमंत्री, हमारा सरकार ने आदिवासी का 32%, पिछड़े वर्ग को 27%, 13% अनुसूचित जाति सामान्य लोग को 4%, लेकिन ब्रिजमोहन का अग्रवाल को आज उसका डोंग उसका दमकी विधानसभा के अंदर चल रहा था, ये माफ करने लायक नहीं है। और वो भी माँ का दूध पिया है, हम लोग भी माँ का दूध पिया है। ब्रिजमोहन अग्रवाल अपना पैसा के दम पर अपना गुंडागर्दी देकर दिखा रहा था, उसको हम लोग डरने वाले नहीं है, उसको मुड़ तो जवाब देंगे। खासकर आदिवासी लोग पिछड़ा वर्ग इसको माफी नहीं करेंगे। और उसके बाद जो इनको ने इनके पार्टी ने वो जो बानपरता का चुनाव फरवरी दिया है वो पूरे तरह से हार रहा है, हारने का जो डर है या अधिकार है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ का ईमानदार जनता माफ नहीं करेगी। तो अभी आपने सुना कि आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने क्या कहा, और इससे पहले मंत्री शिव डहरिया ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा आरक्षण की विरोधी है। तो आपको बता दें कि आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था। सत्र सामान्यतः हंगामेदार होता है ऐसी आशंका जताई जाती है, लेकिन आज का ये सत्र हंगामेदार ही नहीं बल्कि सत्र में गरिमा ही पार कर दी गई। हंगामा तो हुआ ही हुआ, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच तीखी नोकझोंक के साथ धक्का मुक्की भी हुई।